कोरोना महामारी के चलते जहां देश भर में सरकार व प्रशासन ने एक अहम किरदार निभाया है, तो वहीं देश के एनजीओज व धार्मिक संस्थाओं ने भी कदम से कदम बढ़ाकर मानवता के लिए सेवा भावना से अनेकों कार्य किए हैं। लॉकडाउन में ऐसे कम ही मामले देखने को मिले हैं जब देश का कोई नागरिक भूखा सोया हो। लॉकडाउन से अनलॉक तक भी संस्थाएं लगातार जरूरतमंद लोगों के लिए रोज इस्तेमाल होने वाले संसाधन मुहैया करवा रही है। इस पर अर्थ प्रकाश टीम ने चंडीगढ़ से सटे जिला मोहाली के बहरोलपुर गांव का दौरा किया और यहां बिल्कुल वैसा ही पाया। एक स्थानीय लोगों की संस्था यहां स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में हर रविवार को भंडारा दे रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल भूखे को रोटी देना है। भंडारे का आयोजन लॉकडाउन के नियमों के तहत किया जा रहा है। इस भंडारे के मुख्य सेवादार दीवानी माता संतोष कुमारी, राजन कुमार, संजय हरपाल व अन्य शामिल हैं। सर, आपका नाम? संजय चोपड़ा। किस उद्देश्य को लेकर आप अपने मंदिर में भंडारा लगा रहे हैं और ये कौन सी जगह है? ये गांव बहलोलपुर है जी। ये जो मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, इसके जो मेन ट्रस्टी हैं माता संतोष कुमारी जी हैं, यूके वाले, उनके ही करकमलों द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ। और इस मंदिर में हर रविवार को यहाँ पे बाबा जी का भंडारा लगाया जाता है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्लस सैनिटाइज करवा के लोगों को पैकिंग करके खाना जो भोजन है वो दिया जाता है, ना कि बराबर उनको बिठा के कोई भोजन करवाया जाता है। कितने समय से आप ये भंडारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? जिसमें टाइम से कोरोना वायरस चला है जी, उस टाइम से ये मंदिर में ये भंडारा चल रहा है। कौन से दिन करवाते हैं? हर रविवार को जी। कितनी गैदरिंग होती है, कितने लोगों को आप कब ये भंडारा लोगों तक पहुंचा पाते हैं? कम से कम भी यहाँ पे 300-400 आदमी को पैकिंग करके जो भंडारा है वो दिया जाता है, और बिठा के बिल्कुल भी हम खाना नहीं खिलाते उनको, बाहर से सैनिटाइज करके उनके हाथ करके उसके बाद ये भंडारा उनको दिया जाता है, पैकिंग करके उनको सपोर्ट किया जाता है। अब हम मंदिर के प्रधान जी से बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजन। सर, क्या है पूरा, किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लोगों की सेवा के लिए? जैसे मंदिर एक सार्वजनिक स्थल है, उसके बाद लोगों की सेवा को लेके आपके दिमाग में क्या आया जो आप लोग मिलके ये सब ऑर्गेनाइज किया? हाँ जी, साढ़े माता दीवानी संतोष नाथ मिश्री जी यूके नाल उन्होंने नाल परिवार मैंबर सानू हरेक संडे नू मतलब भेजते हैं उत्थे तो कुछ, असी हरेक संडे मतलब लंगर लाते हैं, पैकिंग करके 400-500 बंदे की पैकिंग हो जाती है, असी उन्होंने पैक करके लंगर देंगे हैं मतलब। अब हम लोग यहाँ पर कुछ सेवाकर्मी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कितने डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं और कितना समय हो गया और क्या ऐसा उनके दिमाग में आया जो लोगों की मदद की जा सके। सर, आपका नाम? हरपाल सिंह। क्या सोचा आपने जो आप यहाँ पर लोगों की मदद के लिए आगे आए? हमने ये सोचा, देखो जी कोई गरीब बंदे लॉकडाउन में कईयों के कारोबार बंद है, ठीक है जी, कईयों की दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, तो कई बच्चे बेचारे कई भूखे फिर रहे हैं, कईयों के नहीं कोई पूछताछ कर, इस करके हर ऐतवार दे ऐतवार उन्होंने सोचा जी बाबा जी की कृपा से उन्होंने रहमत ना अभी लंगर लाना चालू करिए जी, क्योंकि मन दे विच भावना जागी कि चलो जी सब दे लंगर लाइए जी। सब आपकी टीम में कितने सहयोगी हैं आपके साथ? हमारे साथ जी देखो जी लेडीज़ है, 10-12 लेडीज़ है जी, ठीक है, आप 3-4 जने मतलब जेंट्स है जी, क्योंकि मेन राजन भाजी है, ठीक है जी, असं उन्होंने मगर सेवादार है जी, ठीक है, बाकी माता जी है जो इंग्लैंड बैठे है जी, ठीक है जी। अब हम कुछ सहयोग दल के जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं कि क्या वो अपने घर बार के बाद लोगों की समाज सेवा भी जिस तरह से कर रहे हैं, हैं वो क्या टाइम निकाल पाती हैं और क्या सोच है कि। आपका नाम? हाँ जी पोली, मेरा नाम है, साढ़े सिस्टर जी है। आप यहीं लोकल हैं? हाँ जी, साढ़े भैन जी है, साढ़े माता जी है। सानू इत्थे हो गया ज्यों कलफुआटे लगे लाउण उदों दे असीं इत्थे रहिंदे, सेवा ते आ साढ़े अपना ही मंदिर है। आप लगातार सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, असीं लगातार मंदिर का। अब क्या अगर कोरोना वायरस नहीं ठीक होता, एक तरफ मान लेते हैं नेगेटिव पॉइंट के लेके, तो क्या आप ऐसे ही लगे रहेंगे? हाँ जी, जब तक लगे रहेंगे ऐसे ही लगे रहेंगे, साड़ी माता जी कहते ज्यों इधर सेवा से सेवा दे लेके।
देखिए इन्होंने बताया कि सेवा भाव को लेके ये लोग लोगों की हर रविवार सहायता कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। इनका जो संगठन है वो लोगों की बहुत मदद कर रहा है। इनके साथ जो जुड़े 15-20 लोग हैं वो लोग हर रविवार आकर लोगों की सहायता हेतु अपने कदम घर से बाहर बढ़ाते हैं, जहाँ की हर आदमी इस कोरोना महामारी के बीच में अपने घरों के अंदर है, अपने आप को बंद करके रखे हुए है। वहाँ पर ये महिलाएँ हैं, कुछ पुरुष हैं जो आप आगे आए हैं लोगों की सेवा हेतु। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।